करीब हफ्ते भर पहले लखनऊ में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यूपी सरकार और पार्टी का हिसाब किताब किया था, लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में जारी है। अमित शाह के साथ करीब डेढ़ घंटे तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच ये मीटिंग हो रही है। आपको बता दें तकरीबन 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश 403 और उसको दोबारा जीतने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। ये तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आमने सामने बैठकर किस तरह से फेरबदल किया जाए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, उसको लेकर यहां पर माथापच्ची की गई है। तमाम नामों पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें चर्चा भी की गई है। योगी आदित्यनाथ की सोच क्या है, उसके बारे में डिस्कस हुआ है, वो कौन कौन से नाम है जिनको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि एक तरफ सरकार अपनी छवि के जरिए आगे बढ़ पाए तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरण को भी साध पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब टिकटों का बंटवारा होता है या जातियों को साधने की कोशिश और कवायद होती है, उसके मद्देनजर तमाम फेरबदल किए जाते हैं। 6 महीने बाद ही जनवरी फरवरी में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले यूपी को लेकर बड़ी बैठकों का दौर लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है, और यहां पर योगी आदित्यनाथ सीएम की मौजूदगी है, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होनी है मुलाकात।